आज कढ़ी बनाई है। तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे पकौड़े हैं। ओह नो। अभी तकरीबन ये बन चुकी है, ठीक हो गई है, थोड़ी थिकनेस है इसके अंदर। जी मैं बना रही हूँ पराठे, तो मैंने कहा मैं साथ में रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि मैं पराठे किस तरह का बना रही हूँ। तो ये मैंने बटर ले लिया, मैंने रोटी को थोड़ा सा बेल लिया, सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेंगे, सेकंड लेयर ऐसे लगाएंगे। जी जी नहीं हो रहा, चले मैं करती हूँ उसको, करती हूँ। ये चला गया जी इधर, एंड चलें ये लें इसको करें। ये मोहम्मद ईसा बेल रहे हैं, अब वो दूसरा इधर कर दें। जी मैं इसको तवे के ऊपर डाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो तवे पे मैंने आयल डाल लिया, तवा भी गर्म हो चुका है, तो चोरस पराठा है वो भी रेडी हो चुका है, तो मैं उसको ऊपर डालती हूँ। ये मैंने चोरस पराठा जो है वो ऊपर तवे के ऊपर डाल दिया है। आटा मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गई है इसकी साइडें, तो अगर ताज़ा हो तो वो बहुत अच्छा बेला जाता है। तो ये इस पॉइंट पे जी हाँ जी हाँ जी ये है जी दूसरा पराठा, तो ये भी मैंने डाला है इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें जी, रात को मैंने कढ़ी बनाई थी, तो ये पराठे।